रिकॉर्डेड। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आवाज आ रही है सबको? हेलो, जी क्या हाल चाल है सबके? सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, ऑफिशियली द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन फॉर सी मैक। इससे पहले मेरी मुलाकात हो चुकी हुई है आप लोगों से सी मैक की एक दो क्लासेस में, लेकिन ऑब्वियसली बात थोड़ा डिफरेंट था। थोड़ा सा हमने प्लानिंग में अपना थोड़ा चेंज किया, और प्लीज किसी का माइक ऑन हुआ है, मैम और गेस्टर भी काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। थैंक यू। तो आज जो है ऑफिशियली हमारा पहला प्रैक्टिस सेशन है, तो दिस इज काइंड ऑफ आर पहली मुलाकात, ठीक है? पहली मुलाकात इसको हम कंसिडर करेंगे। इससे पहले जितनी भी मेरी आपसे मुलाकातें हुई हैं वो थोड़े से ऑन अ वेरी मतलब ऑन वेरी डिफरेंट बेसिस हमारी मुलाकात हुई है। मैंने रेगुलर क्लासेस जो है वो दो आपकी कंडक्ट की है, ठीक है जी? तो बिफोर वी ऑफिशियली बिगेन, अब जितने लोगों को मेरे बारे में थोड़ा आइडिया है, आई वुड आस्क यू टू काइंडली बेयर विद मी, ठीक है? आज थोड़ा हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, तो थोड़ा सा सबको प्रैक्टिस सेशन के बारे में बताना है किस तरीके से हम चीजें लेकर चलेंगे। तो बिफोर वी बिगेन, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज मिसेज अमारा अहमद। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट and I've been basically associated with PAC since 3+ years. मैंने अपनी आर्टिकल्स जो है वो KPMG कराची ऑफिस से की हैं, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम काम किया है एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन द ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑडिट के दौरान ही जब आई वॉज अ स्टूडेंट, मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि माई पैशन लाइज इन टीचिंग एंड एन नॉट डूइंग अ 9 to 6 जॉब। ये मेरा मुझे पहले ही रियलाइज हो गया था, और तब से ही जो है वो मैंने अपना माइंड मेकअप करना शुरू कर दिया था कि आई वुड बी सिलेक्टिंग प्रोफेशनल टीचिंग एज माई फुल टाइम करियर, इंशाल्लाह एज माई लॉन्ग टर्म करियर, जिसके थ्रू मैं अपने फील्ड से भी मेरा ताल्लुक रहेगा एंड आई विल बी फुलफिलिंग माई पैशन फॉर टीचिंग एज वेल, इंशाल्लाह होपफुली। सो जैसे ही फिर लाहौर मैं शिफ्ट हुई, आई ज्वाइंड पैक एंड सिंस देन आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इट। रेगुलर क्लासेस भी मैं लेती रही हूँ अंटिल लास्ट ईयर। FAR 1 और इंट्रो की क्लासेस मैं लेती रही हूँ रेगुलर की। ऑनलाइन का भी मेरा शुरू से ही जो है वो साथ रहा है, ऑनलाइन स्कूल के साथ। उसका मेरे ख्याल से सेकेंड बैच जो था पैक SDL का, तब से मैंने जो है वो पैक SDL के साथ जो है वो अपना रिश्ता नाता जोड़े रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक कंटिन्यू हो रहा है, होपफुली इन द नियर फ्यूचर कंटिन्यूड रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। रेगुलर क्लासेस अभी मैं नहीं ले रही, ऑनलाइन से सिर्फ मेरा ताल्लुक है बिकॉज आई मूव टू इस्लामाबाद, और यहाँ पे रादर देन ज्वाइनिंग एनी अदर इंस्टीट्यूट आई प्रेफर्ड टू मेंटेन माई रिलेशनशिप विद पैक बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट दैट पैक मैनेजमेंट गिव्स टू इट्स टीचर्स एंड इट्स स्टूडेंट्स राइट लाइकवाइज। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी इन सेशन की। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो अभी मैं भी बेसिकली जरा पैक मैनेजमेंट से जरा कंफर्म कर लूँ। अभी मैं आप लोगों से थोड़ा सा आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन लूंगी, और फिर हम जो है वो एक मटेरियल से रिलेटेड, एक जो आपका चैप्टर गुजरा है उससे रिलेटेड, जो जो सर सलाउद्दीन के स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि मैं एक दो क्वेश्चंस जो है वो रह गए थे, तो आज मैंने कहा कि आइस ब्रेकिंग सेशन हम रखेंगे, तो उसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस का जिक्र कर लेंगे। और अगले जो हमारा थर्सडेज, एवरी थर्सडेज हमारे प्रैक्टिस सेशन होंगे इनशाला फ्रॉम 3:30 to 5, राइट? तो फिर अगले सेशन में हम इनशाला स्टार्ट करेंगे लेबर का। मटेरियल में काफी हद तक आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस कर लिया, चले उसके बारे में जरा हम जिक्र करेंगे बाद में। अभी 2-4 मिनट और मुझे दे दें।
मोहसिन, ये भी एक सवाल है जो कि मैं मिस मारिया से और मिस फरा से जरा कंफर्म कर लूं. इन माय अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल होंगी, एलएमएस पे ही होंगी. फॉर पैक स्टूडेंट्स एंड फॉर नॉन पैक स्टूडेंट्स यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट पैक मैनेजमेंट एंड आस्क देम, क्योंकि ये सवाल मेरा भी अभी जरा अनरिजॉल्व रहा है. ठीक है, कि जो पैक के स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं है यहाँ पे, जिनके पास शायद रेगुलर क्लासेस का ऑब्वियसली बात है एक्सेस नहीं है, तो उनको किस तरीके से मिलेगा. तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं जो हूँ उस टाइम तक आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दूंगी. जी बिल्कुल, हैंडआउट्स तो डेफिनेटली आपके अलग आपको मिलेंगे. अगर तो जब मैं जरा जब प्रैक्टिस सेशन के ऊपर आते हैं ना, तो फिर हम इसके बारे में जरा जिक्र कर लेते हैं. ठीक है जी, तो मेरे बारे में मैं हाल से इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया अपना, और व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी बना हुआ है पैक के स्टूडेंट्स का. मैं मैनेजमेंट से जरा डिस्कस कर लूँ अगेन ये कि अगर हम प्रैक्टिस सेशन के लिए एक सेपरेट ग्रुप बना ले, लेकिन अगेन वही होता है, इतने ढेर सारे, वैसे ही आप लोगों के प्राइवेट ग्रुप्स इतने ढेर सारे हैं ना, कॉलेज के दोस्तों का अलग, स्कूल के दोस्तों का अलग, है ना, ग्रुप्स इतने सारे बने हुए होते हैं. तो अगर एक और ग्रुप बन जाएगा तो फिर कैसे हैंडल करेंगे इतना ज्यादा. लेट्स सी, इसके बारे में भी जरा डिस्कस कर लूँ कि मैं पैक मैनेजमेंट से कि अगर प्रैक्टिस सेशंस के लिए, क्योंकि उसमें हमारे पास हो सकता है यहाँ पे FAR 1 के अंदर जो हमारा प्रैक्टिस सेशन गुजरा है ट्यूजडे को, उसमें तो हमारे पास नॉन पैक स्टूडेंट्स भी थे, द वंस बिलोंगिंग टू अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल. तो लेट्स सी उसके, ये थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, हमारा पहला सेशन है, फर्स्ट वीक है हमारा प्रैक्टिस सेशंस का, तो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू, ठीक है जी, देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट नीड टू सेटल डाउन. ऑब्वियसली बात है, पहले सेशन में मुझे काफी चीजों के बारे में आइडिया हो गया है, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं बाय द सेकेंड सेशन आप लोगों का वो काफी चीजें हमारी रिजॉल्व हो जाएंगी. चलें जी, तो आई थिंक इनफ अबाउट माई सेल्फ. अपने बारे में मैं और भी जो है वो रेगुलर क्लासेस मैं बिल्कुल बताती हूँ. बच्चे अपना सारा प्रैक्टिस सेशन के ऊपर हम आते हैं, जरा पहले आइस ब्रेकिंग तो कर लेना, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है पढ़ने की. तो ठीक है, फिर मैं शुरू करा देती हूँ. मेरा तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैं कितना पढ़ा देती हूँ. फिर अगर पढ़ाई की बातें करनी है तो जरा हौसला अभी करने दें शुरू, जरा मुझे होने दें मुझे, है ना. शबनम भी मुझे पुरानी नजर आ रही है, मोहसिन रजा भी मुझे पुराने नजर आ रहे हैं. रिक्वेस्टें कर रहे होते हैं कि बस कर दें, बस कर दें, हमारी बस हो गई है. और फिर मैं कहती हूँ चले ठीक है ना. अब्दुल्ला मुनीर, चलें जी. उमर फारूक, कान जी आप भी पुराने लग रहे हैं. मोहम्मद साद, पुराने लग रहे हैं. चलें जी, तो बिफोर वी बिगिन एक जल्दी से मुझे जरा चैट बॉक्स, आई होप गो टू मीटिंग का जो है. जी बिल्कुल, अब लेट नाइट वाली क्लासेस जो है ना, वो थोड़ी मैंने कम कर दी है. लास्ट सेशन में जो मेरे मेरे स्टूडेंट्स थे प्रॉपर रेगुलर क्लासेस के, वो उनको पता होगा कि सिर्फ आखिरी हफ्ते में जो है थोड़ा सा हमारा प्रेशर बिल्डअप हुआ था. अदरवाइज मैंने कोशिश की थी कि कम से कम हो रहे. ठीक है, हल्का फुल्का तो चलता रहता है, वो तो आपको पता है, अकाउंटिंग में तो गुंजाइश है इस चीज की, है ना. प्रैक्टिस करनी होती है तो उस वजह से ज्यादा फिर टाइम लग जाता है. ठीक है जी, अच्छा, तो आई होप सबको चैट बॉक्स का पता लग गया होगा जो पहली दफा गो टू मीटिंग का ऐप यूज कर रहे हैं. ठीक है, हाँ जी शहबाज, ठीक है जनाब, आई होप फीडबैक अच्छा मिला होगा आपको. चले चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताते रहें कि आप सब जो है चैट बॉक्स में मुझे जरा बता दें कि कौन कौन पैक का है और कौन कौन पैक का नहीं है, और जो पैक का नहीं है वो जरा अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी बता दें. प्राइवेट है तो प्राइवेट लिख दें, वैसे प्राइवेट आजकल बहुत कम ही मिलते हैं हमें. पैक प्राइवेट, प्रिवियसली पैक, मुकर्रब पैक, SDL पैक, पैक. अच्छा जी, तो सो फार, अच्छा पैक प्लस टिप्स भी हैं. समाविया, समाविया का तो मैंने नाम ऑब्वियसली बात है सी मैक की क्लास में मैंने सुना भी है, देखा भी है. तो एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी हियर इज फ्रॉम पैक, राइट. SBM, विशाल, विशाल सही प्रोनाउंस किया मैंने, इज इट विशाल और विशाल. शम्स जो है, अच्छा इट्स विशाल, ठीक है जी, वेरी डिफरेंट नेम. KNS की है हमारी, KNS फ्रॉम कराची जमीन. स्कैंस है शम्स, शम्सुज़मान. अच्छा जी, कराची से भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, बेहतरीन हो गया. अब जल्दी से मुझे बता दें कौन कौन से शहर से बिलोंग कर रहे हैं.
देखें तो सही। मरी, जेलम, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, रवात। अच्छा जी, फैसलाबाद, बेहतरीन, मुल्तान, इस्लामाबाद, जंग, वाह, साहिवाल, हारूनाबाद, जबरदस्त, सवाबी, गुजरांवाला, एंड देन कराची भी। अच्छा, कराची के मोहम्मद नूर भी हैं कराची के, सादकाबाद। ठीक है जनाब, मजे की बात यह है कि मेरा जो है ना वो ताल्लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर प्रोविंस से है। पता है मेरे पुराने स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने कराची में गुजारी है। फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो गए लाहौर, शादी मेरी हुई इस्लामाबाद में, बता रही हूँ। फैसलाबाद में मेरे इन लॉज होते हैं और क्वेटा में मेरे अम्मी और अबू की तरफ के सारे रिलेटिव्स। तो आई एसोसिएट माई सेल्फ विद ऑल द प्रोविंसेस। पिशावर में जो है वो, हाँ जी मैं बता रही हूँ, केपी के रह गया, पिशावर में भी मेरे इन लॉज समझ लेंगे हैं। और मेरा जो गांव है इट्स तौनसा, इफ एनीबडी नोज दैट। तो तौनसा इट इज अ पार्ट ऑफ पंजाब, लेकिन इट्स क्लोज टू केपीके का जो मतलब प्रोविंस है, उसका बॉर्डर है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो किसी को भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जहां भी वो जाए दे शुड बी नो टेंशन एट ऑल। लेकिन मसला यही है कि सिंध वाला जो है वो बलोचिस्तान जाते हुए डरता है, राइट? बलोचिस्तान वाला पंजाब आते हुए डरता है, और जो है वो कश्मीर वाला जो है वो जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते उस फिजा में, सारे कर सकते हैं, किसी भी फिजा में सीईओ हो सकता है आराम से, नो इश्यूज। तो आई कैन रिलेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मुझे तकरीबन हर जगह का जो है वो इंटरेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज, राइट? चलें जनाब, आई कैन रिलेट टू कराची द मोस्ट आई गेस। कराची से मैं सबसे ज्यादा रिलेट करती भी हूँ और करती भी रहूंगी इंशाल्लाह, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स माई बर्थ प्लेस। जितना भी कराची के हालात खराब हो जाएं, जितना भी लोग कराची को बुरा भला कहते हैं, आई कैन नॉट डिसोसिएट माई सेल्फ विद इट। और मैं कभी भी जो है वो कराची को बुरा भला नहीं कह सकती, ऑब्वियसली बात है। वैसे तो किसी शहर को भी नहीं कहना चाहिए, राइट? बिकॉज वी ऑल पाकिस्तानी। और एक चीज मैं जरा आप लोगों को पहले मतलब, क्योंकि हल्का फुल्का हम सेशन इंट्रोडक्टरी रख रहे हैं, आइस ब्रेकिंग हम इसको कह रहे हैं, राइट? तो एक चीज जरा मैं आपको बता दूँ, ये पिछले कई सालों से एक नेगेटिव कह सकते हैं, एक अफसोस वाली बात कह सकते हैं, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर इवन इन्वॉल्व इन दिस। पाकिस्तान से भागने की बात करते हैं सारे। और रिसेंटली अभी एक मतलब इस तरह से किस्सा भी हुआ कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसकी जो है वो बेटी को, उसकी बेटी की पैदाइश वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो शी वेरी प्राउडली टोल्ड अस कि मेरी बेटी जो है वो शी इज एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर, वो ब्लू पासपोर्ट शायद उनका होता है। तो मैंने ऐसी मजाक में तो नहीं, खैर आई मेंट इट विद ऑल माई हार्ट, तो मैंने उसको वही कहा कि आई होप शी गेट्स अ ग्रीन पासपोर्ट सून एज वेल, कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर भी जो है वो बन जाए यहाँ की, तो क्या ही बात है। तो उस पे शी वाज वेरी, शी गेव मी अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिस्पॉन्स कि ग्रीन पासपोर्ट क्यों चाहिए किसी को, इट्स द मोस्ट पैथेटिक, इट्स द लीस्ट वैल्यूएबल पासपोर्ट इन द होल वर्ल्ड, इवन दो शी इज अ ग्रीन पासपोर्ट होल्डर एज वेल। उसको अभी तक ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी भी नहीं मिली हुई, सो शी इज बेसिकली एन इमिग्रेंट ओवर देयर। तो मुझे काफी अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान ने आपको कितना कुछ दिया है, राइट? यू स्टडीड इन पाकिस्तान, यू हैड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान दैट सो मेनी अदर कंट्रीज डोंट हैव। ठीक है, पाकिस्तान बेसिकली हमारे से ही बनता है। अभी आप लोग इस तरह के रिस्पॉन्सेज दे रहे हो, अल्लाह करे दिल से भी आप लोगों के इसी तरह के रिस्पॉन्सेज निकल रहे हो, लेकिन ये हम लोग ही होते हैं जो शायद इस लेवल पे थोड़े से इमोशनल हुए हुए होते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं, और जैसे ही कोई हमें मतलब पॉजिटिविटी नजर आती है किसी दूसरी कंट्री में, या हमें जो है वो ज्यादा बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो फिर हम पाकिस्तान को ही, हम ही होते हैं जो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं।
तो ये आप लोग हमारे जो है वो फ्यूचर के इंशाल्लाह इकोनॉमी आप लोग इंशाल्लाह हमारी बनाओगे. यू विल बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी इकोनॉमी एज वेल. यू विल बी अ पार्ट ऑफ मतलब पाकिस्तान को अपहोल्ड करने में आप लोगों का भी बहुत इंशाल्लाह काम होगा. तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी एटलीस्ट ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बाहर की कंट्रीज में ना जाए, फॉरेन कंट्रीज में ना जाए, ये मैं नहीं कह रही, ठीक है. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री से जॉब ऑफर आए तो आप उसको बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं जी मैं तो पाकिस्तान का ही जो वो होके रहूंगा, भले पाकिस्तान में बेरोजगार फिर रहे हो, राइट. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऑलवेज वैल्यू योर कंट्री, ठीक है. नेवर एवर, मतलब अगर आप खुद ही सोचो ना, आप ऑस्ट्रेलिया लेट्स से कि वो मेरी फ्रेंड है, आई एम लेट्स नॉट टॉक अबाउट माई फ्रेंड, लेट्स टॉक अबाउट एनी पर्सन इन जनरल, राइट. ऑस्ट्रेलिया में वो है, पाकिस्तानी है, और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अगर वो पाकिस्तान को बुरा भला कहेगा तो मुझे आप बताएं जो ऑस्ट्रेलिया के लोकल्स हैं उनके दिमाग में पाकिस्तान का क्या इमेज आएगा. आई मीन अगर पाकिस्तान डेवलप हो भी जाता है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज अगर बिल्ड हो भी जाती हैं, तो इतना नेगेटिव इमेज अगर हम पाकिस्तानी ही वहां जाके बिल्डअप कर रहे हैं तो हु वुड वॉन्ट टू कम टू पाकिस्तान, नॉन पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी इसमें से, राइट. तो हमने ही पाकिस्तान को खराब किया हुआ है. पहली बात तो ये, वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल है, हाउ मेनी ऑफ अस डू नॉट लिटर व्हेन वी गो आउटसाइड. कचरा कहीं पे गिरा हुआ होता है, हम कहते हैं वो गिरा हुआ है ना, एक और पैकेट अगर गिर जाएगा तो उससे क्या होगा, ठीक है. तो इस चीज का जरा हमें ख्याल रखना है, छोटी सी छोटी चीजें होती हैं, यही तो मसला है. बाहर जाके हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान कितना गंदा है, इतनी छोटी छोटी बातों पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान कितना गंदा है, राइट. तो हमने तो गंदा किया हुआ है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट बड़ी बातें, छोटी छोटी बातों से काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो ये चीज आपने इस बात का ख्याल रखना है, जहां पे भी हो, जिधर भी जाएं, रिस्क ऑब्वियसली बात है आपका हक है, हलाल कमाई करना आपका हक है, जहां भी आपको रिस्क मिले, जॉब मिले, वहां जरूर जाएं, लेकिन वहां पे रहते हुए भी जरा पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा, ठीक है. नेगेटिव पोर्ट्रे मत करें पाकिस्तान को, उल्टा इंकरेज करें लोगों को, फिर जब भी पाकिस्तान आए तो जस्ट ट्राई टू गिव समथिंग बैक टू योर कंट्री, ठीक है. इवन एक अच्छी बात भी अगर आप किसी को कर देते हैं, ठीक है, अगर इवन अगर आप पॉजिटिविटी फैलाते हैं अपनी सोसाइटी में, आई थिंक दैट्स गुड इनफ, ठीक है जी. तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस तरफ भी लेकर आ रही हूँ, आगे जाके आप लोग टीचिंग का भी मत मतलब अपने दिमाग से मत निकालिएगा इसको. टीचिंग इज अ वेरी इट्स अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट वे ऑफ स्प्रेडिंग योर मैसेज अक्रॉस, ठीक है. तो ये भी जरा इसको करें, टीचिंग के थ्रू भी आप कितनी अच्छी जो है वो बातें फैला सकते हैं, कितनी बुराइयां खत्म कर सकते हैं, यू हैव नो आइडिया, ठीक है जनाब. तो अगर हम इस तरह की, ये सिर्फ बातें करने वाली नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, ठीक है. तो मुझे पता है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो मैं बात करूँ उसको मैं आगे जाके इम्प्लीमेंट भी करूँ. जिस तरह आई कैन नॉट डू, मैं बहुत बड़ी बड़े काम नहीं कर सकती, मैं इतनी कोई मेरे में ताकत नहीं है, राइट. लेकिन हाँ, मैं जब बाहर जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लिटरिंग ना करूँ, ठीक है, मैं गंद ना फैलाऊँ, जो प्रॉपर जगह है वहां पे फेंकूँ, ठीक है. जो बात मैं आपको कह रही हूँ मैं कोशिश भी करती हूँ इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है जनाब. आई ट्राई टू बी वेरी नाइस टू माई नेबर्स, आई ट्राई टू बी नाइस टू एवरीबडी अराउंड मी, ठीक है. तो इस तरीके से थोड़ा सा करें इम्प्लीमेंट इसको भी, ठीक है जनाब. चलें जी, तो वी गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, विच इज वेरी गुड. कैफ के अंदर नॉर्मली हमारे पास पाकिस्तान के ही काफी स्टूडेंट्स होते हैं, सी फैप वगैरह लेवल पे भी गॉट फॉरन स्टूडेंट्स इज वेल, स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरन कंट्रीज इज वेल, ठीक है. तो दैट्स वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त. अब आते हैं जरा अपने मेन डिस्कशन के ऊपर, प्रैक्टिस सेशन के. हाउ विल वी गो अबाउट इट, होगा क्या सी मैक के प्रैक्टिस सेशन में. बिफोर वी बिगिन, इतना मैं आपको बता दूं, अगर तो कोई इस सेशन को अटेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि फुल ऑन पार्टी सीन होगा यहाँ पे, मतलब अखीर हो जानी है लेवल, बड़ा मजा तो इंशाल्लाह आएगा. आई ट्राई टू मेक श्योर कि मजा आप लोग को आए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन एक्चुअली पढ़ाई के लिए, ठीक है. तो जिसने पढ़ना है सिर्फ वही प्रैक्टिस सेशन अटेंड करे, ठीक है. जिसको लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है इसमें, क्या हम लोग काम करेंगे, तो मैं आपको इतना बता दूं कि पढ़ाई के अलावा इसमें इस तरह की छोटी मोटी ऑब्वियसली बात है डिस्कशंस भी होती रहेंगी, लेकिन इसमें मेन काम हमने पढ़ाई ही करनी है. तो जो लोग रेगुलर क्लासेस के लिए सीरियस नहीं है तो प्रैक्टिस सेशन में तो पता नहीं फिर क्या करेंगे वो लोग, ठीक है. तो ये मैंने पहले सबसे पहले आप लोगों को ये तंबीह कर दी है, वार्निंग दे दी है कि प्रैक्टिस सेशन में हमने पढ़ना है, ठीक है. कैसे पढ़ना है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ.
मैं एक्चुअली लेकर चलूंगी सर सलाउद्दीन, जो हमारे पैक में सीमैक की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन की, मैं उनके फॉर्मेट को लेकर चलूंगी। ठीक है, वो जो सा टॉपिक पहले कराएंगे, जो सा टॉपिक करा रहे होंगे या कर चुके होंगे, मैं उस टॉपिक का ही प्रैक्टिस सेशन रखूंगी। नाउ द स्टूडेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस, दे माइट नॉट फॉलो द सेम कोर्स कवरेज प्लान। ठीक है, तो जिस तरह सर सलाउद्दीन ने पहले जो मेजर टॉपिक सीमैक का स्टार्ट कराया, जो सीमैक से रिलेट करता है पर्टिकुलरली, एक तो उन्होंने रिविजन कराई थी FAR 1 के सारे कॉन्सेप्ट की रिलेटेड टू सीमैक। इसके अलावा फिर उन्होंने मटेरियल का चैप्टर स्टार्ट कराया, अब ही इज ऑन लेबर, राइट? तो आई विल बी फॉलोइंग द सेम कोर्स कवरेज पैटर्न इन प्रैक्टिस सेशंस एज वेल। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे कॉलेजेस के, उनका अब उनको फिर मैनेज करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। अब लेट्स से कि आप लोग अगला चैप्टर कुछ और करते हो, आप लोग ने लेट्स से मटेरियल से स्टार्ट नहीं किया, वैसे आइडियली तो मटेरियल से स्टार्ट करना चाहिए, राइट? बिकॉज दैट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस। लेकिन लेट्स से कि उन्होंने किसी और से स्टार्ट किया, तो वो वाला चैप्टर अभी तक उन्होंने किया नहीं है, तो प्रैक्टिस सेशन का फिर वो रिकॉर्डिंग जब वो करेंगे तो फिर वो रिकॉर्डिंग देख लें उसकी। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में आई विल नॉट बी टीचिंग एनीथिंग, आई विल नॉट बी टीचिंग एनीथिंग न्यू एटलीस्ट। ठीक है, होगा क्या, लेक्चर्स आपके कवर हो चुके हैं, लेट्स से अब जो अगला सेशन हमारा होगा वो इंशाल्लाह थर्सडे को होगा, एंड वी विल बी एक्चुअली स्टार्टिंग प्रॉपरली स्टार्टिंग अवर प्रैक्टिस सेशंस विद लेबर। सेकंड चैप्टर से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि मटेरियल पे मैं एक दो रेगुलर क्लासेस ऑलरेडी ले चुकी हूँ, क्वेश्चंस हम सारे कवर करा चुके हैं क्लास के अंदर ही। तो अब जो है वो हमने थोड़ी अपनी प्लानिंग चेंज की है सर सलाउद्दीन के साथ, और अब जो है वो प्रैक्टिस सेशंस में हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे चीजों को। ठीक है, तो लेबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह सैटरडे, नहीं तो मैं आपसे मंडे को कंप्लीट हो जाना है लेबर, और थर्सडे को फिर आपका लेबर का प्रैक्टिस सेशन होगा पहला। ठीक है, वो डिपेंड करता है चैप्टर पे, डिपेंड करते हैं कि चैप्टर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, कितना टेक्निकल है, किसी चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस की जरूरत पड़ेगी तो वी विल गो फॉर दैट इज वेल। ठीक है, एक से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन हम रखेंगे। अब होगा क्या प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा एक क्वेश्चन खोल लूँ आपके सामने, फिर हम उसको इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस। चलें जी, लेट्स अज्यूम कि हम अभी जिस तरह अभी ये पैक का हैंडबुक है, ठीक है, पैक हैंडबुक है, ये आपके LMS पे अपलोडेड है। अच्छा बच्चे, अगेन मटेरियल पे मैं आपको बता रही हूँ कि मटेरियल के चैप्टर का हम नहीं फोकस कर रहे, ठीक है, लेबर से हम स्टार्ट करेंगे ज्यादा फोकस करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लास वर्क्स, जो भी आपके क्वेरीज हैं वो भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट जो सर सलाउद्दीन रखेंगे, जिसका मटेरियल का टेस्ट आप लोगों का है आज रात 12 बजे तक है, तो वो इंशाल्लाह अगली थर्सडे को हमने टेस्ट भी डिस्कस करना है। ठीक है, मैं आपको जरा एक सिर्फ आइडिया दे दूं कि हमने करना क्या है, किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसे एक क्वेश्चन जी जनाब, तो अगला आपका प्रैक्टिस सेशन जब होगा तो उस टाइम पे आप लेबर कंप्लीट कर चुके होंगे। जैसे एक आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्लास वर्क नंबर 4 अगर आपको याद हो तो ये रह गया था हमसे सॉल्व करना, तो हम अभी सॉल्व करेंगे इसको। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अगेन मैं आपको इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि आज का थोड़ा हल्का फुल्का ही रहेगा प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, ताकि आज आप लोगों को थोड़ा फॉर्मेट का पता लग जाए, आप लोग थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, डिसाइड कर लें किसने प्रैक्टिस सेशन लेना है किसने नहीं लेना बेसिकली। ठीक है, नहीं जनाब, प्रैक्टिस सेशन का मकसद अभी मैं जरा बात सुन लीजिए, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिस सेशन में, जो कि हम सीमैक में भी करेंगे, दो तरीके हैं प्रैक्टिस सेशन को करने के, अब दैट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं कौन सा तरीका जो है वो फॉलो करूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि एक क्वेश्चन हम सामने आपके रखेंगे, ठीक है, आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा पूरा, मार्क्स को देखते हुए हमने प्रैक्टिस सेशन का मेजर एक ऑब्जेक्टिव है टाइम मैनेजमेंट सीखना। ठीक है, तो मार्क्स को देखते हुए हम टाइम अपना फिक्स कर लेंगे, 15 मार्क्स मीन्स अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स, वो भी 2 मिनट पर मार्क के हिसाब से मैं आपको दे रही हूँ, वरना 1.8 मिनट पर मार्क आपका एग्जैक्टली बनता है। ठीक है, तो 15 मार्क्स के हिसाब से 30 मिनट्स हम टाइम फिक्स कर लेंगे। आई विल आस्क यू ऑल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन एन एग्जाम एनवायरमेंट, ठीक है, टेस्ट या एग्जाम के एनवायरमेंट में आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। फर्क क्या होगा टेस्ट एग्जाम और प्रैक्टिस सेशन के अंदर, वही होगा चीटिंग की गुंजाइश है। चीटिंग किस तरह की, मेरे से चीटिंग, आप सॉल्व करते हुए हम 30 मिनट्स में मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे,
ठीक है जनाब, आप अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछते रहे कि अच्छा मैम इसका क्या मतलब है, तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन बाकी मेजोरिटी ऑफ द काम आपने खुद करना, बिकॉज दैट इज द प्राइम पर्पस ऑफ प्रैक्टिस सेशन। चीज आपने पढ़ ली है मेन लेक्चर्स में, ठीक है, होम असाइनमेंट्स आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। द मेन द प्राइम पर्पस ऑफ प्रैक्टिस सेशन इज टू टीच यू गाइस टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, एंड ऑब्वियसली टू प्रोवाइड यू विद एडिशनल प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपने यानी कि ये समझ लें कि ये टेस्टिंग से एक स्टेप पहले है, ठीक है, ये टेस्ट से एक स्टेप पहले है, एग्जाम से एक स्टेप पहले है कि आपको जो है वो हम इक्विप कर लें कि भाई किस तरीके से 2-3-4 सवाल हर चैप्टर के मोर देन इनफ है, क्योंकि आप होम असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, क्लास वर्क भी कर रहे हैं, राइट। तो वट यू नीड मोर इज जस्ट अ स्मॉल पुश टू यू नो पुश यू टूवर्ड्स परफेक्शन। थोड़ा सा पैक का ये 6th एडिशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी जनाब 6th एडिशन है ये, ठीक है। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्लेड होगा, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, जैसे ही 30 मिनट्स अप होंगे आई विल आस्क यू ऑल टू पुट योर पेंस डाउन। अपने रजिस्टर्स में आप सॉल्व कर रहे होंगे उसको, ठीक है, आपने अपने पेंस जो है वो यू विल पुट योर पेन डाउन एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगी, आप लोगों ने उसको कंपेयर करना है और जो प्रॉब्लम्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई। एक तरीका तो ये हो गया कि पूरे सवाल को हम मैं आपको टाइम दे दूं पूरे सवाल का और फिर हम उसको डिस्कस करें। अब अगर तो बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल मैंने रखा है तो उसमें दूसरा अप्रोच भी हम फॉलो करेंगे। और दूसरा अप्रोच क्या है कि हम पूरा मैं आपको पूरा सवाल इकट्ठा ना दे दूं सॉल्व करने के लिए, मैं उसको बिट्स एंड पीसेज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर निकालनी है कि किसी क्वेश्चन के लिए, लेट्स से डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, मटेरियल का कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर जी वो आपसे मांग रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को आगे फिर आपने रीऑर्डर लेवल के लिए इस्तेमाल करना है और दूसरी कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूँगी भाई, मेन रिक्वायरमेंट का मैं आपको टाइम ना दूँ बल्कि मैं उसको ब्रेक कर दूँ कि अच्छा जी 2 मिनट में आपको दे रही हूँ, 3 मिनट में आपको दे रही हूँ, मेन रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट लेट्स से ईओक्यू, राइट, लेकिन मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ टू कैलकुलेट लेट से कोई भी उसमें एक छोटा पार्ट उसका कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, ये चीज मैंने आपको दे दी, राइट। तो इस तरीके से भी हम प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात आप याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना इज आवर प्राइम पर्पस। या तो मैं पूरे सवाल को दे दूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए, या मैं सवाल में से कुछ वर्किंग्स के लिए आपको कह दूँ कि भाई अच्छा ठीक है सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन इसमें से इस वर्किंग, ये वर्किंग आपने करनी है और इस वर्किंग के 2 मिनट में आपको दे दूँ, ठीक है, यू गेट द पॉइंट। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स अपॉन माई असेसमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन से अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी माई डिसीजन इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी, फिर प्रैक्टिस सेशन के हैंडआउट्स ज्यादातर तो हम पैक क्वेश्चन बैंक और आईकैप क्वेश्चन बैंक को ही यूज करेंगे। जो क्वेश्चंस है सलाउद्दीन जो है वो छोड़ देंगे मेरे लिए, वो मुझे इन्फॉर्म करते रहेंगे कि वो मुझे बताते रहेंगे कि अब आपने ये वाले सवाल जो है वो प्रैक्टिस सेशन में कराने हैं, ठीक है। आई विल ट्राई, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, क्योंकि मेरे पास शायद टाइम ना हो इस चीज के लिए जो भी अभी आपको जिक्र करने जा रही हूँ। आई विल ट्राई टू मेक न्यू क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, लेकिन ये मेरी तरफ से प्रॉमिस नहीं है 100% बिकॉज आई गॉट सम फैमिली कमिटमेंट्स। तो वो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस बनाने में सिरे से जो है वो थोड़ा ऑब्वियसली बात है इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं अदर देन यानी कि पैक क्वेश्चन बैंक आई कैप, नॉर्मली मैं जो अपनी क्लासेस में क्वेश्चंस बनाती हूँ नए किस्म के उसी तरह से बनाती हूँ, पैक क्वेश्चन बैंक आई कैप क्वेश्चन बैंक एक आदि और बुक को उठाया, उनसे उनको मेरे क्वेश्चंस को मिक्सअप कर दिया, ठीक है, मिलता जुलता सवाल बना लिया, ठीक है। जैसे अगर किसी ने FAR1 का प्रैक्टिस सेशन अटेम्प्ट किया था लास्ट वाला अभी ट्यूसडे वाला, तो उन्होंने नोट किया होगा कि जी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने इसी तरह से किया था, पास पेपर का एक सवाल था, उसमें मैंने कुछ डिटेल्स डाल दी, कुछ डिटेल्स निकाल दी, डेटा चेंज कर दिया और एक इंटायरली नया सवाल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आई विल ट्राई, मैं प्रॉमिस नहीं करी, ठीक है, क्योंकि अगेन बहुत बड़ी कमिटमेंट है टू कम अप विद न्यू क्वेश्चंस, और मैंने भी नए सवाल फिर इसमें ऐसे नहीं बनेंगे कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हो ना, प्रॉपर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस बनाने हैं, हार्ड मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस बनाने हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज्यादा टाइम और एनर्जी की जरूरत है जो कि मैं शायद ना लगा सकूं इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो प्रॉमिस मैं नहीं कर रही, आई विल ट्राई टू कम अप विद न्यू क्वेश्चंस, लेकिन अगर ना हो सका तो हम बेसिकली हमारा मैटर क्या होगा, हमारा मैटर होगा आईकैप क्वेश्चन बैंक एंड पैक क्वेश्चन बैंक, ठीक है।
तो ये चीजें अपलोडेड होंगी LMS पे। अगेन अब एक सवाल आ रहा होगा कि जो पैकेज टूल्स नहीं है उनको किस तरह से एक्सेसिबल होगा, तो आप या तो अभी पैक मैनेजमेंट से खुद भी कॉन्टैक्ट कर लें, मेरी भी इंशाल्लाह अगले सेशन तक उनसे बात हो जाएगी इस बारे में, तो फिर आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल कि जो नॉन पैक स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इन सब चीजों का रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, अगेन पैक स्टूडेंट्स को तो रेडिली अवेलेबल होंगी, नॉन पैक स्टूडेंट्स को किस तरह से होंगी ये भी मैं पूछ के इंशाल्लाह रखूंगी और आप लोगों को फिर इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, कोई और सवाल आ रहा है पैक प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड अभी पूछ लें, क्योंकि फिर हमने सवाल स्टार्ट करना है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट हमने करना है। हाँ जी सर, जो क्वेश्चंस कराएंगे वो तो आपने करने हैं, सर सलाउद्दीन जो क्वेश्चंस कराएंगे वो तो करेंगे, सर सलाउद्दीन कुछ क्वेश्चंस मुझे दे देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में करने के लिए, वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, लेबर की डिस्कशन नहीं होगी बच्चे, अगेन प्रैक्टिस सेशन का मकसद किसी टॉपिक को डिस्कस करना नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है होगी हर सेशन के अंदर कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है पहले से, डिटेल्ड डिस्कशन आपकी टीचर्स के साथ हो चुकी हुई है। ठीक है, और अब हम सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को रीइन्फोर्स करेंगे और उनकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आप लोग मुझे कम्युनिकेट कर दें कि भाई हमने टीचर के साथ भी ये चैप्टर पढ़ लिया, हमने होम असाइनमेंट्स भी कर लिए, हमने आपके साथ ये प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ये क्वेरीज हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, वो मुझे बता दें, मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, क्लास में मुझे बता दें, मैं अगले सेशन में वो भी रिजॉल्व कर दूंगी। जी बिल्कुल यही करना है, अगले सेशन का चैप्टर मैं आपको पहले से बता दूंगी, क्यों, क्योंकि उसकी वजह यह है आपको अगले सेशन से पहले उसका थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, रिवीजन होनी चाहिए, वरना फायदा कोई नहीं है फिर प्रैक्टिस सेशन का, ये मैं बता दूं आपको। अगर आप बिल्कुल मटेरियल का आपने लेक्चर ले लिया, चलो बस ठीक है, उसके बाद आपने फॉरगॉटन का बटन दबा दिया, अंडू का बटन दबा दिया, बिल्कुल ब्लैंक हो के प्रैक्टिस सेशन में आ रहे हैं इस उस उम्मीद के साथ कि आपको मैं सारा रिवाइज करा दूंगी, तो आई एम सॉरी ये गलत आइडिया है आपका। ठीक है, पूरे क्वेश्चन हम कवर करेंगे बच्चे, अमीन खान पूरे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, लेकिन जिस तरह से मुझे समझ में आ रहा है आप लोग ये समझ रहे हैं कि लेक्चर होगा ये, नहीं लेक्चर में तो चीज टीचर समझा रहा होता है आपको प्रॉपर, पहली दफा आप समझ रहे होते हैं, अच्छा जी ईओ क्यू क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, ये सब चीजें हम अज्यूमिंग आपको पता होंगी, हम सिर्फ उनको उनको उनकी एप्लीकेशन बेसिकली कर रहे होंगे। अच्छा उमर बच्चे, आज का असल में थोड़ा टारगेट जो है वो छोटा सा है, तो आप लोग इस तरीके से मुझे क्वेरीज अपनी बता दें, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर लूंगी। पेज 17 पे उमर कह रहे हैं कि जो उनको कोई इश्यू है तो इंशाल्लाह वो फिर अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे जरूर। अच्छा जी अगले सेशन का फिर मैं अभी से ही बता रही हूँ, अगले सेशन में हम इंशाल्लाह आप लोगों की जो छोटी मोटी मटीरियल से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो जमा करके रखें, आज आप लोग का टेस्ट भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम आज लूंगी भी नहीं। ठीक है, तो आज आप लोगों का मटेरियल का टेस्ट है, आप लोग तैयारी करेंगे इस सेशन के बाद, ऑब्वियसली बात है क्वेरीज निकलेंगी, सर सलाउद्दीन से भी पूछें प्लीज, ही इज योर मेन टीचर। ठीक है, मेन टीचर से आपने अपनी क्वेरीज पूछनी है, लेकिन अगर आपको लेट्स से कि टाइम नहीं मिला सर से पूछने का, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछे वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपकी क्वेरीज ही रिजोल्व करती रहूँ, मेरे अपने टारगेट्स भी होंगे, मुझे हर सेशन में एटलीस्ट दो क्वेश्चंस तो कराने होंगे खुद से सॉल्व, राइट, तो वो क्वेश्चंस अलग फिर क्वेरीज अलग, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक और जो टारगेट होगा प्रैक्टिस सेशन का वो होगा आपके टेस्ट की डिस्कशन करना, तो आज आप लोगों का जो मैं अगले सेशन का आपको बता रही हूँ, आज आप लोगों का जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह वो सब सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, LMS पे अपलोड करेंगे, वो चेक होगा, आपको रिटर्न होगा अगले प्रैक्टिस सेशन में, दैट इज गोइंग टू बी अ वीक लेटर, आई कैन अंडरस्टैंड काफी लेट होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। अगले सेशन में थर्सडे को जो अगला सेशन हमारा पड़ रहा है वो इनशाला वो फुल फ्लेजेड, आप समझें कि आप नो डिस्कशंस, नो आइस ब्रेकिंग सेशन, 25 अप्रैल को हम इनशाला मटेरियल का क्लास टेस्ट डिस्कस करेंगे जो सर सलाउद्दीन पैक में आज कंडक्ट करवा रही हूँ। ठीक है,
वो डिस्कस करेंगे एंड वी विल बी सॉल्विंग लेबर के क्वेश्चंस. लेबर आप लोगों का इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम तक. बच्चे आप मटेरियल का करें, मटेरियल मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस सेशन में हम मटेरियल को ओमिट करें, ठीक है. ठीक है जी, मटेरियल के अंदर काफी हद तक क्वेश्चन सर ने करा दिए हैं क्लास के अंदर, मैंने भी एक दो क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को क्लास में. मटेरियल का प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, हम डायरेक्टली जो है लेबर से स्टार्ट करेंगे. मटेरियल की अगर कोई क्वेरीज अगर आप लोगों की होती हैं छोटी मोटी, तो आप व्हाट्सएप पे वैसे भी पूछ रहे हैं सर सलाउद्दीन से, नॉन पैक स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं, नो इशूज. ठीक है, क्लियर हो गई बात. मटेरियल का बेसिकली आज मैं सिर्फ एक हल्का फुल्का सवाल करवाऊंगी, ठीक है, और एक और हम हल्का सा डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ में आ जाए. चले जी, क्लास वर्क नंबर 4 है ये. दिस इज पैक का हैंडबुक. ये काफी स्टूडेंट्स को इसमें मसला आ रहा था, काफी बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है. इसमें कोई ईओक्यू या रीऑर्डर लेवल वाली बात नहीं है. दिस इज बेसिकली परपेचुअल पीरियोडिक फीफो आपको, ठीक है जी, जो हमने FAR 1 में भी हमने चीज की हुई है, तो अच्छा ही हमारा थोड़ा सा एक वार्म अप टाइप का अगेन हो जाएगा, ठीक है. क्लास वर्क नंबर 4 क्या है अगेन, क्या तरीका होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का. यू रीड द फर्स्ट लाइन, पहली आप लाइन रीड कर लें. जिसने अब अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर इन द इन एन एग्जाम सिटिंग, ठीक है. XYZ Limited manufactures 4 products. The related data for the year ended December 31st, 2009 is given below. अच्छा जी, आपको समझ में आ रहा है. अच्छा, आपने टेबल के ऊपर नजर डाली, आपने कहा कि जी 4 प्रोडक्ट्स हैं, नीचे आपको FIFO वेटेड एवरेज भी, तो आपको समझ आ गया कि ये सवाल जो है ये मटेरियल से रिलेट करता है, राइट. मटेरियल के चैप्टर से, इन्वेंट्री से आपको डायरेक्ट मटीरियल से रिलेट कर रहा है, राइट. कुछ ना कुछ होगा इसमें. आपने सबसे पहले आ जाना है किसके ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर. बिफोर रीडिंग द होल क्वेश्चन यू विल कम towards requirement, ताकि आप उसी focus के साथ पूरे सवाल को फिर read करें और attempt करें, ठीक है. Required क्या है, compute the amount of closing stock that should be reported in the balance sheet as on December 31st, 2009. चलें, क्या मतलब हुआ इसका, कि वो यकीनन हमसे value of closing stock मांग रहा है, ठीक है. 15 मार्क का सवाल है, 15 मार्क का मतलब है कि अगर हम बहुत ज्यादा अपने ऊपर लीनियंसी भी शो करें तो 30 मिनट से ज्यादा हमने इस क्वेश्चन को नहीं देने. नाउ यू विल स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है जी. अच्छा, टाइम अगेन 4:15 हो रहे हैं, वी जस्ट हैव 45 मिनट्स लेफ्ट. तो व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ आपको प्रॉपर. अगेन वर्किंग्स के लिए मैं आपको टाइम दूंगी, ठीक है. तो ये मैं सेकेंड अप्रोच फॉलो कर रही हूँ कि सवाल मैं सॉल्व खुद करवा रही हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको वर्किंग्स के लिए टाइम दूंगी, और जैसे ही टाइम आपको जाएगा उस वर्किंग का, मैं आपको कहूंगी जी पेन डाउन और मुझे आंसर बताएं, ताकि उसमें बिट्स एंड पीसेस में भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है. ABCD 4 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हुए हैं, ABCD के कॉस्ट दी हुई है, NRV दी हुई है. तो वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक यू हैव टू गो फॉर लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. प्रोडक्शन इन यूनिट्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, ये तो 4 लाख रुपए है, ये किनकी कॉस्ट आ रही है, ये 50,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, कि जी 4 लाख यूनिट्स, सॉरी 50,000 यूनिट्स आपने जो प्रोड्यूस किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी, 4 लाख रुपीज, राइट. इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स का भी. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आपको दी हुई है, वजह क्या है देखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स भी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है. यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट 10.5 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे दी गई है. डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज्ड यूनिट्स दिए हुए हैं, और आपको स्टॉक वैल्यूएशन मेथड इन यूज दिया हुआ है. अब आपने ये बात पढ़ी भी है FAR 1 में भी, और ये रीइंफोर्स हो चुकी है CMAC के इनिशियल चैप्टर्स के अंदर, कि आप ये सारा काम कर रहे होते हैं आइडियली ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस, राइट. कि प्रोडक्ट ए का काम सेपरेटली होगा, प्रोडक्ट ए की कॉस्टिंग वैल्यूएशन अलग होगी, प्रोडक्ट बी की अलग होगी, आइडियली सी की अलग और डी की अलग, ठीक है. तो ये हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई. हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ए से अपना काम स्टार्ट करेंगे. ए और सी का मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है. बाकी बी और डी का ऑब्वियसली बात है सिमिलर होगा, उसमें हम जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी. रेडी, तो लेट्स टॉक अबाउट. अच्छा, मेरा नॉर्मली ये है कि मैं एक्सेल पे. अच्छा जनाब, सवाल बड़ा अच्छा है. इसमें इन्होंने आपको कॉस्ट फॉर्मूला बता दिया है, ये नहीं बताया
कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करना या पीरियोडिक. अच्छा एक और लाइन भी है, द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इन जनवरी 2010 सेलिंग प्राइसेस सेलिंग एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज बाय 10%. ठीक है जी, क्या वजह है इसको भी देखते हैं. हाँ जी, ये तो बताया हुआ नहीं है कि परपेचुअल फॉलो करना है या पीरियोडिक. आपको पता है वेटेड एवरेज में परपेचुअल से आंसर डिफरेंट आता है, पीरियोडिक में डिफरेंट आता है. कॉस्ट में परपेचुअल होता है. हाँ जी. अच्छा मुझे वहां बताएं, परपेचुअल के लिए तो आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. अब वो क्या है? डेट्स तो मेंशन ही नहीं है. डेट्स, डेट वाइज ट्रांजैक्शन, डेट वाइज ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं. यहाँ पे तो उसने बता दिया कि पूरे साल में आपने टोटल कितनी प्रोडक्शन की, 50,000 यूनिट्स की. ठीक है, जनवरी में कितनी हुई, जनवरी की स्पेसिफिक डेट्स में कितनी हुई, फरवरी में कितनी हुई. तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. जब आपको कोई डेट्स ना दी हुई हो तो आपने बिल्कुल सिंपल पीरियोडिक, पीरियोडिक इज द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन, राइट, इट वॉज वेरी सिंपल कैलकुलेशन. तो इसका मतलब है आपने इसको बस चारों ना चार पीरियोडिक से ही करना है. ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि कॉस्ट में परपेचुअल होता है, बट दैट इज अ डिफरेंट, मतलब उसमें सिनेरियो ना, ये डिफरेंट सिनेरियो है. यहाँ तक बात क्लियर होगी? तो यहाँ पे आपने एक किस्म का पीरियोडिक अप्रोच ही फॉलो करना है. कोई स्टॉक लेजर कार्ड नहीं बना रहा बनाना, कोई आप मूवमेंट वाली वर्किंग नहीं करेंगे क्योंकि वो कर ही नहीं सकते. ठीक है, चलें जी. आपको ये भी नहीं बताया हुआ कि जी सेल्स जो हुई है वो फलानी डेट को कितनी सेल्स हुई है, फलानी डेट को कितनी सेल्स हुई है. चलें जरा, तो अब हमने क्या बेसिकली करना है, हमने कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना है. अच्छा ए को अटेम्प्ट करते हैं जल्दी से, 419 हो रहे हैं. मैं चाह रही हूं कि कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करें. अब आपको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी दिए हुए हैं. व्हाट यू नीड इज, यू नीड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, यू नीड एनआरवी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए. करते हैं अटेम्प्ट. 15 मार्क का क्वेश्चन है, चार जो है आपको प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो अगर हम 15 / 4 करें तो अगर बिल्कुल हम बेसिक अप्रोच यूज करें तो 3, तकरीबन 4 मार्क्स बनते हैं हर प्रोडक्ट के लिए, राइट, वर्किंग के लिए. उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1.8 से, तो मेरे पास आंसर आता है 7 मिनट्स आपके पास हैं टू सॉल्व प्रोडक्ट के. स्टार्ट करें, 4:20 हो रहे हैं, 4:27 पे वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग प्रोडक्ट ए एंड देन वील डिस्कस प्रोडक्ट सी. ठीक है, तो आई एम डिवाइडिंग द होल क्वेश्चन इन टू बिट्स. कुछ ना कुछ अटेम्प्ट जरूर करना है, कोई ना कोई वर्किंग जरूर करनी है. 7 मिनट्स आपने जाया नहीं होने देने, एंड दिस टिप होल्ड ट्रू इन एग्जाम सिनेरियो एज वेल. चीटिंग नहीं करनी पीछे से. आपने पहले से ही कर लिया था या चलें फिर इंतजार करें, जरा 5-6 मिनट रुक जाएं. ठीक है, ठीक है शावेज, आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने वैसे भी पूरा सवाल नहीं कराना, सिर्फ ए और सी करवाना है. ठीक है,
क्वेश्चन सबने रीड कर लिया, ए का आइटम रीड कर लिया। क्या हमने, मुझे बात बताएं, ये वाला जो है यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट 10.5 और बी के लिए 11, 11.5 और 13, इसका कोई काम है? यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट क्या मतलब हुआ कि अगर हम ए को प्रोड्यूस ना करें, अगर हम कहीं से खरीद के फिर उसको बेचें, तो इज दैट रेलिवेंट और इररेलीवेंट? इट्स इररेलीवेंट, टोटली इररेलीवेंट, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी एनआरवी में क्या क्या चीजें आती हैं, है ना? तो उसमें कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट कोई चीज नहीं है, या करंट मार्केट वैल्यू ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है? कॉस्ट के अंदर वैसी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुड हो गया, चले जी, 3 more minutes अपने तरीके से सॉल्व करें, फिर हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। Two more minutes. जी बिनेश पूछिए। माइक ऑन कर लीजिए अपना, इफ यू हैव अ माइक, अदरवाइज चैट बॉक्स में टाइप कर लें। अली शोजफ कह रहे हैं कि गुड आइटम्स की कॉस्ट है 36801, ठीक है? लेट्स सी, परपेचुअल सिस्टम में वैल्यूएशन मेथड यूज करना आता है, पीरियोडिक में इसको कैसे अप्लाई करें? अगर आप वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक में वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अभी कर देते हैं उसको सॉल्व, आइडिया हो जाएगा। चलें जी, इट्स 427, पेंस डाउन। प्रोडक्ट ए का काम हो जाना चाहिए था। अब देखिए मसला क्या होता है, मसला ये है, ठीक है जी, आंसर की प्रेजेंटेशन में फिर मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? एक तो तरीका आपको ऑब्वियसली बात है, पैक के हैंडबुक के बैक साइड पे भी आपको नजर आ रहा है कि आप टेबुलर फॉर्म में ए बी सी डी की आप इस तरह से काम करेंगे, ए की टेबल बनाएं, उसमें ए बी सी डी की जितनी भी रेलिवेंट वर्किंग्स है। अब देखिए ये सारी जो बुक्स में जो आंसर्स होते हैं तो होते हैं ऑब्वियसली बात है ना वेरी परफेक्ट मैनर, राइट? बिकॉज दे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय या तो आईकैप के एग्जामिनर का सजेस्टेड को फॉलो किया होता है, किसी टीचर ने प्रिपेयर किया होता है। रिमेंबर वर्किंग आपका डोमेन है, what you need to ensure is कि जो final answer है वो आपका बहुत ही clear, concise और वो perfect हो, ठीक है? Workings भी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, understandable होनी चाहिए। मैं अगर student होती मेरा answer different हो, तरीका presentation different होगा आप लोगों में से काफी लोगों के साथ, ठीक है? मैं अगर स्टूडेंट होती तो मैं इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर रही होती। अब गलत नहीं है, हो सकता है वो दूसरे लोग ये समझे कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब क्योंकि मैं हर प्रोडक्ट को क्लास में इंडिविजुअली सॉल्व करवा रही हूँ,
तो मैंने जो है वो प्रोडक्ट ए का इस तरह से काम कर लिया, ठीक है। अब मैंने पूरे क्वेश्चन में से क्या किया, मैंने पिक करनी है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन रेलेवेंट क्या है। यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है कितने, 5000 यूनिट्स, राइट। ये मेरे पास 5000 यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक के, ये आपको बताए हुए भी हैं, ठीक है जी। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है जी, मैंने कॉस्ट फॉर्मूला यूज करना है अपना वैक। मैं नॉर्मली जब स्टूडेंट थी तो मैं अपनी वर्किंग के अंदर भी इस तरह से चीजों को लिस्ट डाउन कर देती थी ताकि सारी चीजें क्लियर कट हो, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ये पता है कि जब मैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रही होती हूँ तो मुझे फॉलो करना होता है क्या, मुझे फॉर्मूला करना होता है सॉल्व, राइट। वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, क्या फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इन रुपीज प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन रुपीज, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट। यही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वैक का फॉर्मूला सॉल्व करना मैं शुरू हुई। अब मैं ओपनिंग स्टॉक पर आई तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स तो है, मेरे पास वैल्यूज दो आ रही है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। तो वो कितनी आ गई, पिछले साल की जो स्टॉक था उसकी आ गई 70,000, मैंने ओपनिंग स्टॉक में ले लिया 70,000 प्लस कॉस्ट ऑफ मेरे इन्वेंट्री में फर्दर 4 लाख की इन्वेंट्री और है, ठीक है। तो 70,000 की पहले मौजूद थी, 4 लाख और आई, ये टोटल हो गया अवेलेबल फॉर सेल। इसको क्या कहते हैं, मैं करंट ईयर में टोटल मैक्सिमम 4,70,000 यूनिट्स बेच सकती थी, ठीक है। अब मैंने उनकी कॉस्ट निकालनी है, ओपनिंग यूनिट्स मेरे पास आ गए 10,000 प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं, ये मेरे पास आ गए 50,000। तो मेरे पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने थे, 60,000। मैंने इनको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 70,000 प्लस 400,000 दिस होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 60,000, ये मेरे पास आ गया 7.833। अब मेरी बात व्हाट्सएप सुनिएगा, अब इसमें आपके पास एक और तरीका भी है। बिल्कुल बेसिक लेवल पे जब हम समझाते हैं तो हम इसको कुछ इस तरह से समझाते हैं कि आपके पास टोटल स्टॉक जो है, अब आपकी मर्जी आप किस तरीके से उसको लेके चले, दो अप्रोचेज हैं उसको करने की। टोटल स्टॉक जो है ये 5000 यूनिट्स का, राइट, क्लोजिंग, जिसमें से गुड यूनिट्स आप अलग कर सकते हैं, डैमेज यूनिट्स आप अलग कर सकते हैं। आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि गुड यूनिट्स की एनआरवी किस तरह से निकालते हैं, डैमेज यूनिट्स की एनआरवी किस तरह से निकलती है ना, तो ये बिल्कुल दो अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। कंबाइंड तरीका वो है जो कि पैक के बैकसाइड पे, हैंडबुक के बैकसाइड पे गिवन है, तो यू हैव दैट अप्रोच एज वेल। तो आपने क्या करना है, गुड यूनिट्स की कॉस्ट अलग निकलेगी, एनआरवी अलग निकलेगी। गुड यूनिट्स आपके पास कितने हैं, 5000 अगर डैमेज हैं क्लोजिंग डेट पे, सॉरी 5000 अगर टोटल हैं जिसमें से डैमेज 300 हैं, तो गुड यूनिट्स आपके हो गए 4700। उनकी कॉस्ट कितनी हुई, मल्टीप्लाइड बाय 7.833। क्लियर होगी बात, कितने लोगों ने इस तरह से किया, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी, मैंने ये कर दिया, वेरी गुड, मैंने ये कर दिया कि दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स, ठीक है। गुड यूनिट्स मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, 4700 यूनिट्स मेरे गुड हैं, और जो डैमेज यूनिट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 300 यूनिट्स, ठीक है, ये कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, एनआरवी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिए लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी चाहिए होती, राइट। क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू किन यूनिट्स की, 4700 यूनिट्स की, राइट। 4700 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इट्स 10, सेलिंग प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया इंटू 10, ठीक है, तो 4700 इंटू 10 ये आपके पास हो गया 47,000। फिर मुझे आगे क्या करना है, फिर मुझे लेना है लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, राइट। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट क्या होंगी, ये इसने आपको बताया है कि करंट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, करंट, ये करंट है 60,000, दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%। 60,000 पर यूनिट नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, पहला सवाल तो आपने ये करना है कि 60,000 को पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस से या यूनिट्स सोल्ड से, यूनिट्स सोल्ड से, नेचुरली सी बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि करंटली सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना चल रहा है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय आप सेलिंग यूनिट सोल्ड निकालते हैं किस तरीके से, 10,000 यूनिट्स पहले से मौजूद थे,
50,000 यूनिट्स और आ गए, 60,000 यूनिट्स हो गए, क्लोजिंग डेट पे 5,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं. तो यानी कि सेल कितने हुए, 60,000 में से 5,000 बचे हुए, तो 55,000 आपके सेल हो गए. तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट करंट हो गई है, ठीक है. इसको इंक्रीज होना है 10% से फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ये 4700 यूनिट्स के ऊपर सेलिंग कॉस्ट कितनी आएगी, वो इतनी आ जाएगी. ये बात सबको क्लियर हो गई. ठीक है ना, तो 5640 बनता है आपका एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट. ठीक है, दैट्स इट. गुड यूनिट्स को कोई रिपेयर शिपेयर तो कराना नहीं है, ना रिपेयर कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होगी, ना यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट होगी. आपने कैलकुलेट कर ली क्या एनआरवी, और एनआरवी कैलकुलेट करने के बाद आपने कहा कि जिन दोनों सिनेरियोज में से लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी क्या हो गई, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी सिलेक्ट हो गई आपकी कॉस्ट. डैमेज यूनिट्स पर आते हैं. डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी, 300 यूनिट्स आपके डैमेज्ड हैं, हर यूनिट की कॉस्ट कितनी आपको पड़ी वेटेड एवरेज के हिसाब से, 7.833. ठीक है ना. किसी ने ये सवाल पूछा था कि पीरियोडिक में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो समझ आ गई. पीरियोडिक में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है. पीरियोडिक में वेटेड एवरेज किस तरह से अप्लाई करते हैं, वेटेड एवरेज इस तरह से अप्लाई करते हैं, वैक पर यूनिट इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. ठीक है, परपेचुअल में तो आप परपेचुअल में भी एक्चुअली आप भी फॉर्मूला यूज कर रहे होते हो, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे पूरे साल के लिए एक ही बैक कैलकुलेट होगा. ठीक है, आपने डैमेज यूनिट्स का ये निकाल लिया, कॉस्ट आ गई. अब आपने क्या निकालना है, एनआरवी निकालनी है. बात समझ आ गई सबको. एनआरवी में भी वही होगा, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू इन 300 यूनिट्स की कितनी होती है एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर यूनिट, 300 × 10, ये हो गया 3000. फ्यूचर सेलिंग प्राइस आपकी यही है. काइंडली अपने आप को प्रेजेंटर ना बनाए, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग अपनी ना करें प्लीज. लेस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, राइट, वही फॉर्मूला होगा. करंट सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 60,000 डिवाइडेड बाय 55,000 यूनिट्स, राइट. ये 110% इंक्रीज आएगा दोनों के लिए, गुड यूनिट्स और डैमेज यूनिट्स दोनों के लिए. तो 300 यूनिट्स का फ्यूचर में सेलिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे. ठीक है जनाब, ये हो गया 110%, 360. और एक और चीज इधर होगी, लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, राइट. रिपेयर कॉस्ट उसने बता दी गई है कि 3 रुपी पर यूनिट जो है वो डैमेज्ड यूनिट्स जो हैं उनको हमें रिपेयर करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर, यस और नो. तो 300 × 3, ये काम करने के बाद आपने क्या निकाल लिया, डैमेज्ड यूनिट्स की एनआरवी. ठीक है, ये आ गई गुड यूनिट्स की एनआरवी, ये आ गई डैमेज यूनिट्स की एनआरवी. आपने कहा कि इन दोनों केसेस में लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी यानी कि डैमेज यूनिट्स की वैल्यू क्या सिलेक्ट हुई है. ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 36817 प्लस 1740, 38557, यही आ रहा है. कोई चीज हमने मिस आउट तो नहीं कर दी, एक सेकेंड. इसमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमने वही ली है, 10 ली है, ये भी आपकी 10 है, 300 × 10. सेलिंग कॉस्ट हमारी है 110% किया इंटू 300, ये भी ठीक है, 360 हो गया 6000, 50,000. Give me a minute, मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ ना हो. ठीक है,
ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, पीछे आंसर इसलिए डिफरेंट आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गुड यूनिट्स डैमेज यूनिट्स को अलग ट्रीट किया है और पीछे इन्होंने सॉल्व किया है मिक्स करके, इकट्ठा करके। ठीक है जनाब, सही है। ये जरा मैं जरा डिस्कस भी कर लूंगी। आप लोगों को ये बात पता है कि अगर हम टोटैलिटी के बेसिस पे एनआरबी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आंसर डिफरेंट आता है, और अगर हम सेपरेट करके एनआरबी टेस्टिंग करेंगे तो आंसर आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, सो फार वी आर स्टिकिंग टू दिस। ठीक है, इससे हम जरा स्टिक करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगी इसका अगले सेशन के अंदर, ठीक है, कि हमने कौन सा अप्रोच इसमें फॉलो करना है कॉस्टिंग के अंदर। नहीं जनाब, देखिए एनआरवी टेस्टिंग के अंदर, बिल्कुल ठीक, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट तो आपने निकाल ली, उसमें तो कोई मसला नहीं किसी को, है ना जी। अब जब हम सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हम उसको इंक्रीज क्यों करेंगे 10% से, क्योंकि एनआरवी टेस्टिंग करते हुए हम फ्यूचर को देख रहे होते हैं। व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज व्हाट? इट्स कि फ्यूचर में जब हम हमारे पास 5,000 यूनिट्स ये अभी भी इन स्टॉक हैं, ठीक है, दीज 5,000 यूनिट्स आर इन स्टॉक करंटली, तो जब हम फ्यूचर में इन 5,000 यूनिट्स को बेचेंगे तो हमारा सेलिंग एक्सपेंस कितना होगा? नहीं जी, आंसर में उसने वो इंक्रीज किया है। मैं आपको बता रही हूँ ना, द डिफरेंस इन आर आंसर्स इज बिकॉज ऑफ व्हाट, के हैंडबुक में जो पीछे है उन्होंने डैमेज और गुड यूनिट्स को सेपरेट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने डैमेज और गुड यूनिट्स को सेपरेट नहीं किया। वैसे तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला इतना होना चाहिए क्योंकि ऑल अदर कैलकुलेशंस आर द सेम, हमारी कॉस्ट भी सही है, बिल्कुल ठीक। तो ये मैं जरा कंफर्म कर लूँ, सर सलाउद्दीन से भी डिस्कशन जरा कर लूँ कि इसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आपको पता है कि हम क्या अप्रोच चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो जिन लोगों को वो प्रॉब्लम था कि पीरियोडिक में किस तरीके से हम चीजों को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आते हैं जरा प्रोडक्ट सी के ऊपर। प्रोडक्ट सी में क्योंकि फीफो यूज हो रहा है, क्या डिफरेंस है वेटेड एवरेज और फीफो में? वेटेड एवरेज और फीफो में सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस है कि फीफो में हम रखेंगे बैच वाइज इंफॉर्मेशन को अपने सामने, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपके पास डिफरेंट बैचेस है ही नहीं। वेटेड एवरेज में तो आपने ओपनिंग स्टॉक और यूनिट्स प्रोड्यूस को कर दिया था मिक्स इस फॉर्मूले के थ्रू, ये जो वैक का फॉर्मूला है इसके थ्रू हमने क्या कर दिया था, ओपनिंग स्टॉक और यूनिट्स प्रोड्यूस को कर दिया था मिक्स, राइट, कंबाइन कर दिया था, एवरेज कर दिया था। फीफो में अब क्या डिफरेंस होगा? बाकी सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर है, सिमिलर टू ए, सिर्फ एक यही डिफरेंस है, डैमेज यूनिट सी में भी है, गुड यूनिट सी में भी है, डैमेज यूनिट और सी के अंदर बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी जो है वो सिमिलर है। तो फिर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि अब हमने ओपनिंग यूनिट्स और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को मिक्स नहीं करना और उसको एवरेज आउट नहीं करना, बल्कि उनको सेपरेट ही रहने देना है। तो इसका फिर क्या है, फीफो के अंदर फिर हमारा बेसिक जो है, फीफो के अंदर हमारा बेसिक जो अंडरलाइंग रूल है वो क्या है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है कंप्राइजेस ऑफ रिसेंटली परचेज्ड बैचेस, रिसेंटली परचेज्ड या रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड बैचेस। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको सिर्फ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, 442 हो चुके हैं, ठीक है, इसको मैं सिर्फ आपको वर्बली आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। 15,000 यूनिट्स जो है, सॉरी यही है ना, हाँ, क्लोजिंग यूनिट्स 15,000 है, 15,000 यूनिट्स आपके परटेन कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट? ओपनिंग स्टॉक से तो ये बिल्कुल भी परटेन नहीं कर रहे, ठीक है, ये कौन से बैच से परटेन कर रहे हैं? ये वही 15,000 यूनिट्स उन्हीं यूनिट से रिलेट कर रहे हैं जो कि ड्यूरिंग द करंट ईयर आपने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है जी। तो अब जिस तरह हम ए के बारे में कह रहे थे कि ये जो 5,000 बैचेस हैं, 5,000 यूनिट्स हैं, 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालने के लिए हमने ओपनिंग स्टॉक को भी कंसिडर किया और हमने यूनिट्स प्रोड्यूस को भी कंसिडर किया, यहाँ पे हमने सिर्फ किसको कंसिडर करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ कंसिडर करना है गुड्स प्रोड्यूस्ड को। तो किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व? प्रोडक्शन रेट निकाल लेंगे, ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, ये मैं आपको नहीं सॉल्व करने के लिए दे रही। अगेन
रिपीट कर रही हूँ प्रैक्टिस सेशन, हम इन इस एंटायरिटी नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे. अभी से मैंने जो क्वेश्चन रह गए थे मैंने कहा कि सिर्फ मैं उनको टच कर दूँ, ये मैं आपको जरा लिख देती हूँ. सेपरेटली ऑन, ठीक है. आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है लेक्चर के अंदर कि एक्चुअली दो तरीके हैं, आप टोटालिटी के बेसिस पे भी एनआरवी टेस्टिंग कर सकते हैं और इसके बेसिस पे भी, तो आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा, ठीक है. चलें जी, प्रोडक्ट सी पर आते हैं. प्रोडक्ट सी के अंदर बस मेन आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि अप्लाई किस तरह से करेंगे. जब इस तरह से बहुत ज्यादा डेटा आपके सामने आ जाता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, राइट. हाथ पैर फूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है. तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू गो अबाउट इट. अगेन यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये हमारा मेन हमारी चीज है, ठीक है. यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के आपके पास 15,000. अब आपने 15,000 की कॉस्ट निकालनी है, 15,000 की एनआरवी निकालनी है, ठीक है. तो 15,000 यूनिट्स की पहले हम कॉस्ट निकालेंगे, फिर हम इसकी एनआरवी निकालेंगे, ठीक है जी. कॉस्ट फॉर्मूला जो है वो आपने यूज करना है यहाँ पे फीफो, ठीक है जनाब. ये आपने कर लिया. तो अब अगेन मैं उसको इसी तरह से चलूंगी. टोटल स्टॉक आपके पास कितने हैं, 15,000 यूनिट्स आपके पास टोटल स्टॉक है, जिसमें से गुड यूनिट्स, मैं उसी तरह से चल रही हूँ, मैं सेपरेट बेसिस पे एनआरवी टेस्टिंग कर रही हूँ. गुड यूनिट्स आपके पास कितने, इसमें उन्होंने बता दिया 15,000 में से 800 जो है वो डैमेज्ड है, ठीक है. तो कितने गुड हो गए, 15,000 माइनस 800, 14,200 यूनिट्स आपके गुड हैं और जो रिमेनिंग 800 है वो आपके पास हो गए डैमेज्ड, ठीक है. ये बात क्लियर हो गई. अब इसका भी हम उसी तरह से करेंगे. अब इसकी कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए मुझे वैक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, राइट. इसकी कॉस्ट हम सिंपली क्या करेंगे, ऊपर जरा आ जाते हैं वर्किंग करने के लिए. हम क्या कहेंगे, COGM पर यूनिट, ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट, ये कितना किस तरीके से आएगा. करंट ईयर में एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ा था. क्यों, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि ये 15,000 यूनिट्स रिलेट कर रहे हैं सिर्फ इसी बैच से, ओपनिंग बैच से रिलेट कर ही नहीं रहे, राइट. तो 8,25,000 डिवाइडेड बाय 75,000, ठीक है जी. 825,000 डिवाइडेड बाय 75,000, ये बात सबको समझ में आ रही है. पर यूनिट कॉस्ट अब हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे रादर देन बाय कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट. ओपनिंग स्टॉक को आपने लिया ही नहीं, ठीक है. तो ये आपके पास कितना आ गया, पूरा 11 आया. तो 11 रुपी पर यूनिट आपने कॉस्ट इनकर की है टू प्रोड्यूस दिस बैच, और इसी बैच से हमारे 15,000 यूनिट्स परटेन कर रहे हैं, बेसिकली ये पॉइंट है, राइट. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो गुड यूनिट्स की कॉस्ट कितनी निकलेगी, 14,200 इंटू 11, यानी कि इन 14,200 यूनिट्स की कॉस्ट पे कितनी आई, 14,200 into 11, ये आ गया 156,200. मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, आई होप सही है ये सबके लिए, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अब हल्की फुल्की डिस्कशन इसकी कर रहे हैं. डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आएगी, 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 11, जो 800 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस जब किए थे तो उनकी कितनी आई, 8,800. मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, समझ तो आ रही है ना बात, बिल्कुल बेसिक डिस्कशन है, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में लेके जा रही हूँ. लेबर वाले सेशन से इंशाल्लाह आपने ही सारा काम करना है, और उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीजें करवानी है, नो वरीज अबाउट इट. दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है जी. तो 14,200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कितनी टोटल कॉस्ट आई थी आपकी हिस्टोरिकली, 1562. अब बड़ा आसान है, देखिए कॉस्ट की जब हम बात करते हैं ना तो वी टॉक अबाउट पास्ट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट, कि कितनी कॉस्ट आई थी टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. एनआरवी कैलकुलेट करते हुए हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, सिंपल एज दैट, राइट. तो ये आपके पास हो गया. एनआरवी के लिए अब हम आते हैं. एनआरवी में वही है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 14,200 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट सी की सेलिंग प्राइस उसने आपको बता दी है 12 रुपए पर यूनिट. इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है. तो ये जो करंटली हमारे पास स्टॉक मौजूद है 14,200 यूनिट्स का, ये फ्यूचर में कितने पर बिकेगा, 170,400, ठीक है. लेस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, एस्टिमेटेड फ्यूचर की बात करेंगे. इसमें भी वही हिसाब किताब है
ये करंट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो करंट ईयर में आपने कितने यूनिट्स बेचे? ओपनिंग यूनिट्स थे 20,000, 75,000 और प्रोड्यूस कर लिए, टोटल कितने बन गए? 95,000 आपने, आपके पास टोटल स्टॉक में यूनिट्स आ गए, जिसमें से बचे कितने हैं? 15,000 बचे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने बेचे कितने, कितने हो गए? 70,000, पक्की बात है? 80,000, 80,000 यूनिट्स, इसका मतलब है आपने सेल किए, ठीक है। करंट ईयर में 80,000 यूनिट सेल किए हैं, टोटल सेलिंग कॉस्ट है 90,000, तो पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 90,000 ओवर 80,000 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट सोल्ड है। मल्टीप्लाइड बाय वही 110%, मल्टीप्लाइड बाय 14,200, इज दैट क्लियर? तो फ्यूचर में जब आप ये 14,200 यूनिट्स बेचेंगे तो आपके पास कितनी सेलिंग कॉस्ट आएगी? इतनी आएगी, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। हमें 110% इसको करना है क्योंकि फ्यूचर की हम बात करें, दैट्स इट। गुड यूनिट्स की एनआरवी आपने सेलेक्ट कर ली 152,828, ठीक है। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में से क्या सिलेक्ट हुआ? 152,828, इज दैट क्लियर? तो वैल्यू आपने जो है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। आगे चलते हैं, डैमेज यूनिट्स पर आते हैं। डैमेज यूनिट्स की एनआरवी भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 12। दोनों के सेलिंग प्राइसेस में कोई फर्क नहीं है वरना वो बता देता। लेस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, राइट। सेलिंग कॉस्ट आपकी कितनी है? वही पर यूनिट निकालने के लिए 90,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू 110% इनटू, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे डैमेज्ड यूनिट्स के साथ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। 990 एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर, सारे फ्यूचर है, फ्यूचर कॉस्ट है, कोई भी अभी तक आपने इनकर नहीं की। तो 2.5 रुपी पर यूनिट आप इनकर करेंगे फ्यूचर में, 2.5 इंटू 100, इज दैट क्लियर? 2.5 इंटू 800। अच्छा, अब कौन सी प्रेजेंटेशन प्रेफरेबल है, क्या मतलब आप किस, कौन सी दो प्रेजेंटेशन को कंपेयर करें? मैं अभी आपको फाइनल आंसर भी बताती हूँ ना, फाइनल किस तरह से जब चारों प्रोडक्ट्स कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे वो भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वर्किंग अगेन आपका डोमेन है, ठीक है। अब वर्किंग आपका डोमेन है, आप वर्किंग में जिस तरीके से भी प्रेजेंटेशन करें, दो प्रेजेंटेशन बताइए, मतलब इसमें भी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी में सिलेक्ट हुआ ये, तो हमारे पास आ गई टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सी कितनी हो जाएगी? 152,828 प्लस 6,610, इज दैट क्लियर? 159,438, ठीक है, 15943। अब आप एंड में क्या कर सकते हैं, मतलब जब आप सारे प्रोडक्ट्स कर लें सॉल्व, जब सारे चारों प्रोडक्ट्स का हो जाए तो आप एक कंसोलिडेटेड टेबल बना लें, ठीक है, कि आप ये बता दें कि ए बी सी डी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, आप हर एक का स्टॉक की वैल्यू जो आपने जो भी डिटरमिन किया है वो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है ना, ठीक है। ए का सोल्यूशन ये है, जी जनाब, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए का हमारा आंसर पीछे से डिफरेंट क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अगेन ए और सी दोनों के लिए हमने ये अप्रोच फॉलो किया है कि हमने गुड यूनिट्स का अलग और डैमेज यूनिट्स का अलग काम किया। प्रोडक्ट ए में डिफरेंट क्यों आ रहा है, सी में क्यों नहीं डिफरेंट आ रहा, उसकी मजे की बात सुन लीजिए। प्रोडक्ट ए में गुड यूनिट्स की कॉस्ट सेलेक्ट हुई है और डैमेज यूनिट्स की एनआरवी, ठीक है, और प्रोडक्ट बी सी के अंदर दोनों एनआरवी सिलेक्ट हुई है,
तो इस वजह से हमारा आंसर जो है, जब हम टोटालिटी के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर सी का तो मैच हो रहा है पीछे से, लेकिन ए का मैच नहीं हो रहा. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब प्रेजेंटेशन वर्किंग किस तरह से दिखानी है, दैट्स एंटायरली अप टू यू. मैंने एंड में आपको ये बता दिया कि आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में ये काम कर सकते हैं कि आप अपने एग्जामिनर के लिए ये बता दें, फाइनल जो आपके आंसर्स हैं उनको आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दें, ताकि आपके एग्जामिनर जो है उसको क्लियर कट पता लग जाए कि अच्छा जी, इनका जो प्रोडक्ट सी का फाइनल आंसर है वो आया 159438, ए का ये आया. एक दूसरा तरीका प्रेजेंटेशन का वैसे ही है कि आप ए बी सी डी का टेबुलर फॉर्म उसी तरह से सॉल्व करें जिस तरह पैक हैंडबुक में है. कॉस्ट एनआरवी से लेस होनी जरूरी नहीं है ना? हाँ, होनी चाहिए, आइडियली होना चाहिए अब्दुल्ला, आइडियली यही होना चाहिए कि कॉस्ट ज्यादा हो, सॉरी एनआरवी ज्यादा हो कॉस्ट कम हो. लेकिन यहाँ पे अब हो रहा है इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट की सिचुएशन प्रोडक्ट सी की इतनी बुरी है, ये हो सकता है ना? दिस इज नॉट, ये रूल नहीं है बच्चे अब्दुल्ला, ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि ये रूल है. आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियली गुड यूनिट्स की कॉस्ट कम होती है, एनआरवी ज्यादा होती है. तो अगर कुछ ना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट सी हो, तो आप ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम कॉस्ट एनआरवी दोनों कैलकुलेट करेंगे प्रॉपरली, और उसको हम कंपेयर करके लोअर हमने सिलेक्ट करनी है. ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट सी की मार्केट इतनी कोई बुरी जा रही है, ठीक है, कि उसके जो गुड यूनिट्स हैं वो भी फ्यूचर में एट अ लॉस बिकेंगे. ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो अब आई होप आप लोगों को आइडिया. अच्छा, ये जो आज वाला सेशन था, अगेन थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्योंकि हमने टाइम ज्यादा लगाया था डिस्कशन के अंदर. ठीक है, तो आई होप यू गेट एन आइडिया. जैसे आप प्रोडक्ट ए में मैंने आपको टाइम दिया, आपको कहा कि इसको सॉल्व करें, तो अब इंशाल्लाह हम इसी तरीके से करेंगे बाकी प्रोडक्ट्स को भी. अच्छा, एक होम असाइनमेंट जरा नोट कर लीजिए. ये एक और क्वेश्चन था, ये हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया हो, जो पैकेज टू डूज हैं स्पेशली. दिस इज PQ4, ये भी मैंने आपको सॉल्व करवाना था, लेकिन अगेन टाइम की कमी की वजह से मैं ये नहीं करवा पाई, और ये शायद सर सलाउद्दीन ने भी सॉल्व नहीं करवाया. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है मटेरियल के चैप्टर का, ये भी आप सबने अटेम्प्ट करना है. ठीक है, प्रॉब्लम होगी तो हम प्रैक्टिस सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे. अगेन टारगेट आपका होना है टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, योर टारगेट विल बी टाइम मैनेजमेंट. आपने क्लास वर्क जो हम करते हैं उसमें हम टाइम को इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं ना, होम असाइनमेंट्स में भी बस लगे हैं तो 4 घंटे निकल गए, सॉल्व भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं चलता है. लेकिन अब हमने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है. तो 7+6, 7 मिनट्स का मतलब, 7 मार्क्स का मतलब है 14 मिनट्स मैक्सिमम, और ये वाला तो शायद मैंने आधा करवा भी दिया था, राइट? और 6 मिनट्स का मतलब है मैक्सिमम 12 मिनट्स जो है वो आपने इन पार्ट्स को देने हैं. जैसे ही वो टाइम आपको जाएगा, आपने पेन डाउन कर देना, और ये बात समझ लेनी है कि आपको फुल मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, है ना? तो थोड़ा सा अपने ऊपर इस चीज का भी प्रेशर लेकर आए कि आप भले क्वेश्चन 100 अपनी तरह से 100% ठीक करने की कोशिश करें, एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए वो. ठीक है जनाब, तो इसको आपने अटेम्प्ट करना है अगले सेशन में. अगर तो प्रॉब्लम हुई PQ4 में तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं. रिपीट कर देती हूँ, अगले प्रैक्टिस सेशन इंशाल्लाह थर्सडे को होगा, उसमें हमने क्या क्या काम करना है. पहला PQ4 में अगर प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेंगे. आप लोगों का जो मटेरियल का टेस्ट हुआ हुआ है, जो नॉन पैक स्टूडेंट्स हैं फिकर ना करें, क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं दोनों डिस्प्ले करूंगी. ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट कर दूंगी पैक मैनेजमेंट को कि वो नॉन पैक स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल कर दें वो वाले हैंडआउट्स. ठीक है, और तीसरा हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा अगले प्रैक्टिस सेशन में, वो लेबर के नए सवाल करने होंगे. ठीक है, लेबर के न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन से मुराद ये वो वाले सवाल जो सर सलाउद्दीन ने आपको नहीं करवाए हुए क्वेश्चन क्लास के अंदर. न्यू क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि मैं नए सवाल बनाऊंगी, वो मैंने आपको प्रॉमिस नहीं किया. हो सकता है किसी टॉपिक का मैंने ऐसे अपने नया सवाल भी बना लूं, किसी दूसरी टेक्स्ट बुक से कॉपी कर लूं अदर देन आई कैप एंड पैक. ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह उस पर वर्किंग कर लेंगे. थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन के हम मोड में आ जाए फिर इंशाल्लाह उसको करेंगे. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो बच्चे लेक्चर्स लो आप, फिर इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है, अच्छा PQ6 में रीऑर्डर लेवल को क्विकली डिस्कस कर लें. ओ सॉरी, मैंने आपको एक सेकेंड, मैंने आपको शायद गलत वो दे दिया. होम असाइनमेंट PQ4 नहीं है, PQ6 ही है.
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वही परेशान हूँ। PQ6 तो मैंने आपको दिया है होम असाइनमेंट, सॉरी PQ6 इज योर होम असाइनमेंट ऋषि। तो फिर अगले सेशन में कर लें उसको, ठीक है? आई नो थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट लेट्स गेट इन टू द फ्लो पहले, ठीक है? क्योंकि अगले सेशन में मैंने आपसे पूछना है कि PQ6 में क्या प्रॉब्लम्स आई, तो वो पिछले जितने भी सवाल है वो इंशाल्लाह आपके कवर होते रहेंगे, नो वरीज अबाउट इट। लेबर के पैक के क्वेश्चन, आके क्वेश्चन बैंक करके आना है। नहीं जनाब, आपने करके नहीं आना, मेरी बात गौर से सुने आना। आप पैक के स्टूडेंट हैं, ठीक है? सर सलाउद्दीन ने आपको लेक्चर्स दिए हुए, ठीक है? सर सलाउद्दीन ने आपको क्लास वर्क करवाए हुए क्वेश्चन, सर सलाउद्दीन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे हैंडबुक में से, ठीक है? जो सर ने लेक्चर करवाया हुआ होगा वो आपने हल्का फुल्का रिवाइज करा, हल्का फुल्का से मुराद ये कि आपको आना चाहिए, ठीक है? जो क्वेश्चन सर सलाउद्दीन ने छोड़ दिए हैं क्लास में वो खुद से अटेम्प्ट ना करें, वो मैंने करवाने हैं आपको। तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेरा और सर सलाउद्दीन का मिल के ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम एटलीस्ट पैक पैक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम 100% खुद करवाएंगे, या तो सर सलाउद्दीन करवाएंगे या मैं करवाऊंगी, और आई कैप के भी काफी हद तक क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवाने हैं। ऑनलाइन सीमैक नहीं ले रही। अच्छा, अब ये थोड़ा सा फिर आगे पीछे हो जाएगा सिनेरियो। आप रेगुलर ले रहे हो, बिल्कुल। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, लेट्स अज्यूम कि मैं ऐसा सवाल करवाती हूँ सॉल्व जो कि आपने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? लेट्स अज्यूम वो इन एनी केस वो आसान तो नहीं होगा, वो मुश्किल वाला सवाल ही हम सिलेक्ट करेंगे, मीडियम टू हार्ड ही क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। उसमें जो भी क्वेरीज होंगी वो आपकी रिजॉल्व होंगी, नो वरीज अबाउट इट। जी जनाब, प्रैक्टिस के लिए वैसे भी जो मिनिमम लेवल डिफाइन हम करते हैं फॉर टू स्टूडेंट्स वो पैक क्वेश्चन बैंक और आईकैप क्वेश्चन बैंक ही होता है। स्टूडेंट्स उतना ही कर लें तो बहुत है। ये बात इस बात की शायद सर सलाउद्दीन ने भी आपको इस बात की गारंटी दी होगी कि अगर आप सर सलाउद्दीन के लेक्चर, सर सलाउद्दीन के क्लास वर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चन और आईकैप क्वेश्चन बैंक के सवाल कर लेंगे तो इनशाला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मतलब एट अ मिनिमम जो हम रिक्वायर करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स टू फॉलो इज व्हाट इज पैक क्वेश्चन बैंक एंड आई कैप क्वेश्चन बैंक, ठीक है? बाकी जो है ठीक है। अमीन खान, टाइम अप हो गया है, तो ऑटम 2012 क्वेश्चन नंबर 4 आप मैं नोट कर लेती हूँ, ये मैं फिर अगले उसमें कर लूंगी, ठीक है? मैं भी जरा उसको देख लूँ ना, ठीक है? फिर उसके बाद अगले सेशन में हम सारी क्वेरीज आपकी रिजोल्व करेंगे। मैं मेरी तरफ से आपको मैं गारंटी दे रही हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे हैव एन आइडिया एज वेल, जितनी भी क्वेरीज होती हैं मैं बहुत खुशी खुशी सॉल्व करती हूँ, तो नो इश्यूज अबाउट दैट, ठीक है? आई कैप स्टडी टेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए ठीक है तो सही, लेकिन उसमें मैं इस बात की गारंटी नहीं दे ले रही कि उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से और हर चीज बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है, इस बात की गारंटी नहीं है। अगले सेशन का टॉपिक है लेबर और मटेरियल की जो भी क्वेरीज हैं आपकी, ठीक है? मटेरियल से रिलेटेड क्वेरीज बेहतर है वो मुझे कुछ दिन पहले जरा मैं व्हाट्सएप कर दिया था, मेरा नंबर नोट कर लें आप लोग, ताकि जो नॉन पैक स्टूडेंट्स हैं वो मुझे आराम से कांटेक्ट कर सकें। मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे पहले से इन्फॉर्म करेंगे तो ही मैं इनको सॉल्व करने की उसमें पोजिशन में होंगी, क्योंकि मुझे खुद भी तो देखने हैं ना उन क्वेश्चन को, ठीक है? दिस इज माई नंबर, ठीक है? जिनके पास नहीं है नोट कर लें मटेरियल का, इंशाल्लाह फिर हम क्वेरीज उस पर भी देख लेंगे, आप मुझे पहले से बता दीजिएगा। नहीं जी, मटेरियल का मैं आपको कह रही हूँ ना, आनम थोड़ा सा प्लानिंग आगे पीछे हो गई थी, तो मटेरियल की प्रैक्टिस सेशन फिर हम नहीं रखेंगे कोई, हम लेबर से स्टार्ट कर रहे हैं। मटेरियल की क्वेरीज आप डिस्कस कर लें, करनी है तो ठीक है, लेकिन लेबर से हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल के मैं कुछ क्वेश्चन ना क्लास टाइम में करवा चुकी हूँ स्टूडेंट्स के साथ, दो तीन सवाल हो चुके हैं। चलें जी, ठीक है? यू आर फ्री टू आस्क मटीरियल रिलेटेड क्वेश्चन दो, ठीक है जी? आफिया, अली, अमीन, अनाम, क्लियर होगी बात?
some student AUSCA caller 2 Hussain Larib Muhammad Ahmed Muhammad Saad Mukarram Rishi Samavia Sardar Shabnam Visal Zishan ijazat hai phir inshallah hope to see you guys again Thursday ki session mein balki zyada I'm hoping ki zyada students hoye aap log ki zara spread the word around ki the next session is going to be a full on practice session theek hai So labor ka just do spread the word around and ask them to register for it. Free hai, so what more do you need, right? Extra aapki help ho jayegi. Chalein ji, inshallah phir next Thursday ko milte hain 3:30 pe inshallah. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.